तो है लोग आज तो बहुत लोग को लगता है उनके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्योंकि जब एनिमी को किल करने जाओ तो हार्ट बीट बढ़ जाता है और उनको लगता है गेरिना फ्री फायर नहीं हॉरर गेम खेल रहा हूँ। तो इसका कोई सलूशन है क्या? तो गाइस डेफिनेटली है। तो गाइस आज जो हम टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले वो अगर आप यूज करते हो तो आपका हार्ट बीट कम जाएगा, मतलब नॉर्मल रहेगा, सीधी बात में बोलूं तो एनिमी से डर नहीं लगेगा, आप इजीली कोई एनिमी को किल कर सकते हो। तो और क्या, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारे जो YouTube स्टार ने बोला है कॉन्फिडेंस के ऊपर एक वीडियो लाओ, तो यस भाई आप इजीली कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे, बट इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। सो गाइस हम जो ट्रिक नंबर 1 आता है, आप जब कोई प्रो लौंडा देख लेते हो तब आप सोचते हो यार क्या ही प्रो यार, आज तो मेरा बनना कंफर्म है यार, आज तो मैं मरी जाऊंगा यार। भाई तुम पहले बोलो, तुम लौंडे को देख के जज कर ले रहे हो, बट क्या प्रूव है, वो एनिमी नूबड़ा नहीं है, तुम एनिमी का गेम प्ले देखे नहीं, देखने से पहले ही भजन गाना स्टार्ट कर दिया तो कैसे चलेगा। आप अगर सोचते हो यार ये तो क्रिमिनल है, ये तो हिप हॉप है, ये तो साकुरा है यार, ये तो पक्का मारेगा मुझे, अरे कोई बचा ले देवा। तो अगर तुमको ड्रेस देख के जज करना है कौन प्रो है और कौन नूब है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो 100% लूज होगा, क्योंकि सोच ले तो यार ये तो मेरे से भी ज्यादा पुराना प्लेयर है, मतलब मेरे से भी ज्यादा प्रो होगा ना, बट तुम मार भी देते हैं बट तुम्हारे पास तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो कैसे मारोगे। अरे नाइट भाई कोई सॉल्यूशन बता दो यार जिससे मुझे एनिमी का ड्रेस ना दिखाई दे। अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल बात बता दिया तुमने, बट तुम्हारे लिए मैंने बाबा से सस्ते टिप्स एंड ट्रिक्स मंगाया है, तो तुम्हारे जो कलेक्शन पैक होता है ना उसको डिलीट मार दो तो तुमको सब नूबड़े लगेंगे और कोई भी साकुरा ढिमकाना फलाना कुछ भी नहीं दिखाई देगा तुमको। और तुम जब एनिमी को देखोगे अबे ये तो नूबड़ा है बैंकर, चल अभी पेल देते इसको, ये नूबड़ा भी क्या याद रखेगा मुझे। और अगर डिलीट नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको याद रखना है ड्रेस से कोई प्रो नहीं बनता, प्रो बनता है स्किल से। सो गाइस में जो ट्रिक नंबर 2 आता है रैंक माइनस फियर, तो इसका मतलब है जब आप सोचते हो यार मेरा रैंक माइनस हो जाएगा, यार आज मेरा रैंक माइनस हो जाएगा, भाई मेरा हीरोइक का सपना क्या होगा, भाई मुझे तो ग्रैंड मास्टर जाना था, आज क्या होगा मेरा। तो देखो रैंक आपका हर वक्त नहीं रहेगा, बट जो स्किल है वो हर वक्त रहेगा। तो आप अगर हर वक्त रैंक पुश करते हो, मतलब टाइम मिला फैक्ट्री के छत के ऊपर चलते हैं, भाई चल भीमा शक्ति के टावर के ऊपर चलते हैं, अरे भाई चल कैंपिंग करते हैं, अच्छे से कैंपिंग करके यार आज तो हीरोइक जाकर आएंगे, तो गेम प्ले तो कुछ रहेगा नहीं, आप उल्टा बॉट बनोगे। बट गाइस आप हीरो जाके करोगे क्या जब आपका गेम प्ले टट्टी है, और जब आपको पता चलेगा आपका गेम प्ले टट्टी है तो कॉन्फिडेंस तो लूज होगा। तो कॉन्फिडेंस तभी बिल्डअप होता है जब आप अच्छे से एनिमी किल करते हो और आराम से 10-12 लौंडे पेल के बुया लेते हो, बट तुमको तब भी करना है रैंक पुश तो तुम कर सकते हो, तुमको जस्ट सर्वाइव प्लस रस करना पड़ेगा तो तुम इजीली कर पाओगे, और फिर भी बोलोगे मुझे ओनली पुश करना है यार। तो यस तुमको पुश करना चाहिए क्योंकि तुमसे ना हो पाएगा। देखो तुमको थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यार तुम रैंक पुश करते हो तो हर वक्त तो ये नहीं होता तुम्हारा प्लस ही होता होगा, कभी भी कोई प्लेयर आता है और तुमको पेल के चले जाता है, तो जब तुम्हारा माइनस लगता है ना तो बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट फील होता है और तुम सोचने में लग जाते हो यार अरे यार मैं नूब हूँ यार मुझसे खेला नहीं जाता यार सब माइनस जा रहे यार है। तो गाइस तुम कॉन्फिडेंट कैसे रहोगे यहाँ पे अगर तुम डिमोटिवेट हो जाते हो, और इस जगह तुम अगर थोड़ा सा रस करोगे ना, मतलब पुश और रस दोनों एक साथ गेम प्ले करोगे ना, तो तुमको ऐसा नहीं लगेगा यार और कितनी देर रैंक पुश करना पड़ेगा यार, मुझे तो हीरोइक जाना है यार और कितना पुश करना पड़ेगा, क्योंकि ओनली जब आप पुश करते जाओगे तो आप डीमोटिवेट होते जाओगे और कॉन्फिडेंस तो ना बराबर होता है। सो गाइस जो ट्रिक नंबर 3 आता है वो है आपका गेम प्ले और आपका डिवाइस। तो गाइस सपोज आप एक एनिमी के साथ फाइट ले रहे होंगे और उस टाइम आपका फोन लैग कर जाता है, तो तब आपके दिमाग में एक टेंशन आ जाता है यार फिर अगर मेरा फोन लैग करने लग जाए यार, अबे यार अगर एनिमी के सामने अगर लैग कर जाए क्या करूं भयंकर, अरे भाई वैसे मेरा पिंग भी 400-500 हो रहा है भाई क्या करूं, तो यही टेंशन आपके दिमाग में घूमते रहेंगे और आप गेम में थोड़ा सा भी फोकस नहीं कर पाओगे। और कॉन्फिडेंस की बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि उस वक्त अगर थोड़ा सा फोकस ही मिल जाए ना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। देखो आपका पता आपका गेम प्ले अच्छा नहीं है और आप अगर फाइट लेते हो कोई एनिमी से तो आप इजीली पिट जाओगे, तो अब आप सोचने लग जाते हो यार अरे यार मेरा तो गेम प्ले भी अच्छा नहीं है यार, ऊपर से मेरा डिवाइस भी लैग मार रहा है यार, तो चलो फाइट नहीं लेता यार, क्या जाता है यार फाइट नहीं लेता हूँ यार नहीं तो मर जाऊंगा यार, और तब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मिट्टी में मिल जाता है। तो इसके लिए आप करके सकते हो। सो गाइस इसके लिए आपको पहले अपने अंदर बिलीव लेकर आना पड़ेगा जो मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ और मेरा गेम प्ले एकदम ओवर पावर है। बट गाइस ओनली बोलने से नहीं होगा, आपको करना भी पड़ेगा, मतलब आपको रियली में अपना गेम प्ले इंप्रूव करना पड़ेगा जिससे आपको अंदर बिलीव पैदा हो जाएगा ऑटोमेटिक। बट गाइस मैं डिवाइस और पिंग के मामले में कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट डिवाइस के लिए मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकता हूँ। अगर आप उस फोन में करते हो तो आपका जो लैग है थोड़ा कम हो जाएगा, तो गाइस आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है देख लेना। तो गाइस आपका अगर गेम प्ले अच्छा हो जाता है ना तो आप खुद ही नोटिस कर पाओगे पहले का मेरा कॉन्फिडेंस कैसा था और अभी का मेरा कॉन्फिडेंस कैसा है। तो गाइस इसको अपने गेम प्ले में अप्लाई करना और देखना अपना कॉन्फिडेंस कैसा बूस्टअप होता है। इट वर्क्स।
सो गाइस हम जो ट्रिक नंबर 4 आता है वो है एक्स्ट्रा प्लेइंग गेम। अबे क्या बोल रहा है, अभी गेम भी नहीं खेल सकता हूँ क्या शांति से? बट मैंने ये कब बोला आपको गेम खेलना नहीं है? देखो गाइस आपको पता ही होगा सब चीज की एक लिमिट होती है, और जब आप उस लिमिट को क्रॉस कर दोगे ना तब वो चीज फायदे की जगह नुकसान देगी। देखो गाइस आप जब बहुत ज्यादा गेम खेलते हो तो बहुत मैच आप हार जाते हो, जिससे आप डिमोटिवेट फील करते हो और आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और बहुत लोग को लगता है जितना मैं गेम प्ले करूंगा उतना मेरा गेम प्ले इंप्रूव होगा। देखो गाइस लिमिट में सब कुछ अच्छा होता है, बट लिमिट के जब आप बाहर निकल जाओ ना तो वो चीज डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो जाता है। और गाइस ज्यादा गेम खेलना एकदम ही अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे आपका स्टडी में भी नुकसान हो सकता है और ये आपकी हेल्थ के लिए भी एकदम अच्छा नहीं है। तो आपका अगर गेम अच्छा नहीं जा रहा आप गेम को बैक करो, थोड़ा रेस्ट लो, फिर गेम खेलो। बट गाइस ज्यादा नहीं, आपको 4 घंटे से 6 घंटे गेम खेलना है। और गाइस कभी भी ये मत सोचना जितना ज्यादा गेम खेलूंगा उतना मेरा स्किल इंप्रूव होगा। तो अगर आप ज्यादा खेलते हो तो स्किल इंप्रूव नहीं और भी खराब होता है। तो गाइस आई होप आपको टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे, और गाइस इस टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करके आप एक गुड कॉन्फिडेंस पा पाओगे। बट गाइस मैं नोटिस कर रहा हूँ आप लोग वीडियो तो देख रहे हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो क्यों नहीं कर रहे हो यार? चैनल को कर लो सब्सक्राइब और पास में नोटिफिकेशन बेल उसको प्रेस करके और पे सेट कर लो। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो और एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। तो गाइस आप भी अगर चाहते हो नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पे बने तो कमेंट बता देना, और टॉपिक के साथ ये भी बता देना वीडियो कैसा लगा। तो गाइस वीडियो को यहाँ पे करते खत्म, तो चलिए बाय बाय।